हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल दुबे। इस वीडियो से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर 2 विलयन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर आने वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुँचें। दोस्तों, जब आप दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें हर जगह अवयवों का संगठन एक समान होता है, जैसे कि शक्कर और पानी का मिश्रण। जैसा कि अगर हम एक ग्लास में थोड़ी सी शक्कर और उसी के अनुपात में पानी लेते हैं तो दोनों को घोलने पर हमें जो मिश्रण प्राप्त होता है उसमें शक्कर पूरे पानी में एक समान रूप से घुली होती है। चाहे हम उसको ऊपर से टेस्ट करें, चाहे बीच में से टेस्ट करें और चाहे सबसे नीचे से टेस्ट करें, उसका स्वाद हमें मीठा ही मालूम होता है। जबकि जब हम किसी ग्लास में भरे हुए पानी में मिट्टी मिलाते हैं और उसको घोलते हैं तो उस ग्लास की पेंदी में ज़्यादा मिट्टी होती है अपेक्षाकृत उसकी सतह के ऊपर रहने वाली मिट्टी से ज़्यादा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसा कि आपने शक्कर और पानी, यानी आपने दो वस्तुएं ली या दो पदार्थ लिए और दोनों को मिलाया, तो इससे इन दोनों को मिलाने से जो विलयन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। और यदि हम एक किसी ग्लास में शक्कर, नमक और पानी तीनों को मिला दें तो इन तीनों पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को हम क्या बोलेंगे? त्रिअंगी विलयन। यानी कि दो पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को द्विअंगी विलयन और तीन पदार्थों से मिलकर बने हुए विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि विलयन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। जैसे कि हम लोग नमक और पानी को मिलाते हैं तो नमक हमारा विलेय होता है और पानी हमारा विलायक, यानी जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं विलायक और जिसको घोला जाता है उसको बोलते हैं विलेय। यानी कि नमक और पानी के मिश्रण में हमारा नमक विलेय है और पानी विलायक। विलेय और विलायक की परिभाषा हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित रहता है वह विलायक कहलाता है और जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह विलेय कहलाता है। मैंने आपको 50 ml पानी दिया और ये कहा कि एक में घोलो 5 ग्राम नमक और दूसरे में घोलो 10 ग्राम नमक, और घोलने के बाद ये बताओ कि कौन सा विलयन ज़्यादा गाढ़ा होगा। यहाँ पर समझना बहुत आसान है, क्योंकि आपने दोनों बर्तनों में सिर्फ 50 ml पानी मिलाया है, एक में 5 ग्राम नमक मिलाया है और दूसरे में 10 ग्राम नमक। तो सीधी सी बात है कि जिसमें 10 ग्राम नमक मिला रहेगा, यानी जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा रहेगी वह विलयन ज़्यादा गाढ़ा होगा, और जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी उसमें वह विलयन कम गाढ़ा रहेगा। अब यहाँ पे ये बताने के लिए कि हमने कितने विलायक में कितना विलेय मिलाया है या फिर कितने विलेय के लिए कितना विलायक प्रयोग किया है, ये सारे संबंध बताने के लिए और कौन सा विलयन या फिर किसका विलयन कितना गाढ़ा है यह बताने के लिए हम सांद्रता के पद को परिभाषित करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सांद्रता पद, और बहुत सारे सांद्रता के पद होते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, फार्मलता, नार्मलता इत्यादि। विलयन में मुख्य रूप से दो चीज़ें उपस्थित होती हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। उसके बाद
हम क्या जानते हैं कि विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी विलयन में विलेय और विलायक की जो मात्रा होती है उसको हम सांद्रता पद कह सकते हैं। और सांद्रता के पद में जो हम सबसे पहला पद पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। आपके सामने मैंने लिखा है कि एक बर्तन में 5 ग्राम विलेय है और 80 ग्राम विलायक। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों को मैंने ग्राम में लिखा है, द्रव्यमान प्रतिशत में एक बात ध्यान रखिए कि इसमें विलेय का भी द्रव्यमान आएगा और विलायक का भी द्रव्यमान आएगा। अब आते हैं सूत्र की तरफ। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। सूत्र को अच्छे से आपको याद रखना है क्योंकि अगर आपने सूत्र में गलत किया तो सीधी सी बात है कि आपका उत्तर गलत आएगा। इस केस में विलेय का द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। और विलायक का द्रव्यमान कितना है? 80 ग्राम। तो आइए देखते हैं विलयन का द्रव्यमान कितना होगा। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, यानी 5 ग्राम और 80 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया? कुल 85 ग्राम। अब आइए निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, यानी 5/85 × 100। यानी कि हमारा द्रव्यमान प्रतिशत इस एग्जाम्पल में कितना आ गया? 5.88%। ये पूरा स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। आपके सामने एक प्रश्न है कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे हमारा जो NaCl है वो विलेय का काम करेगा और जो हमारा जल है वो विलायक का, क्योंकि विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा हमेशा कम। सबसे पहले हमें दिया है विलेय का द्रव्यमान कितना है? 15 ग्राम। और विलायक जो कि जल है उसका द्रव्यमान दिया है 150 ग्राम। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। और विलयन का द्रव्यमान क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, यानी हमारा विलेय कितना है? 15 ग्राम और विलायक कितना है? 150 ग्राम। तो कुल विलयन का भैया द्रव्यमान आ गया 165 ग्राम। तो भैया निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, हमारा ग्राम से ग्राम कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा हमारा प्रतिशत में। तो भैया कितना आ गया उत्तर? 9.09%। तो ये हमारी सबसे पहली सांद्रता पद थी जिसका नाम था द्रव्यमान प्रतिशत। इस पूरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इत्यादि के बारे में। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी टिक करिए जिससे आज कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। धन्यवाद।